अभी तक हमने क्लासेस बनाई थी, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्टर, उन्हीं क्लासेस के ऊपर ही बेस्ड है। अब कंस्ट्रक्टर बेसिकली है क्या और क्या यूज होता है इनका, पहले तो हम वादे देखते हैं। व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्टर। हमें नॉर्मली पता है कि अगर हम कोई वेरिएबल, क्लास नहीं, क्लास से वैसे ही बात करते हैं, अगर कोई वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, सिर्फ बनाते हैं, इंटीजर टाइप ए, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया तो वी से कि दिस ए विल टेक अ गार्बेज वैल्यू, मतलब इस ए में क्या पड़ा होगा, क्योंकि हमने तो इसमें कुछ डाला नहीं, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें क्या गया होगा, गार्बेज वैल्यू भी। सो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो वो ऑक्यूपाई करता ही है, इस केस में वो गार्बेज है क्योंकि हमने नहीं डाला। अब नॉर्मली हम कहते हैं कि गार्बेज वैल्यू हटाने के लिए, अपने वेरिएबल से गार्बेज को रिमूव करने के लिए, वेरिएबल को जब आप बनाओ उसमें कुछ वैल्यू डाल दो, उससे क्या होगा कि वेरिएबल इनिशियलाइज्ड होगा, नॉट विद गार्बेज, विद सम वैल्यू, सो दैट कि हम क्या लिखें, int a equals to what 10, इससे मुझे पता है कि मेरे a वेरिएबल में गार्बेज नहीं है, इट हैज अ वैल्यू कॉल्ड 10। अब ये सिंपल वेरिएबल्स का रूप था। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, हम क्लासेस की जब बात करते हैं तो क्लासेस में हमने क्या क्या देखा कि क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, हम क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन भी कर सकते हैं और क्लास के अंदर हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम क्लास के बाहर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शंस की क्या अलाउड है, डिक्लेरेशन अलाउड है। जबकि आपको पता हो जब हमने स्टेटमेंट लिखते हैं ना, int a equals 10, जो हमारी ये स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम अपने वेरिएबल्स को इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं, ये डिक्लेरेशन माना जाता है। मतलब ऐसे केस में कंपाइलर सिर्फ डिक्लेयर करता है कि a नाम से एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू रन टाइम पर असाइन है, तो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर सिर्फ डिफाइन करेगा, डिक्लेयर करेगा कि a नाम से एक वेरिएबल बना है, अगर कोई यूज कर रहा है उसे एरर ना मिले, बट ये वेरिएबल बनेगा कहां पर, अब रन टाइम पर बनेगा। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। एक तरह से ऐसे वेरिएबल्स कंपाइल टाइम पर डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन का होते हैं, रन टाइम पर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए, मेरे इंस्टांस वेरिएबल ए बी सी, जैसे मैं एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं कि अगर मैं क्लास अपनी बनाता हूं, जैसे हमने पहले बनाई थी एडिशन, और इस क्लास के अंदर अपने वेरिएबल्स बनाता हूं ए बी, बस यहीं पर है क्लास एडिशन, मैंने क्लास एडिशन के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनाए ए बी सी नॉर्मल वेरिएबल, अगर मैं ए बी सी नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूं तो मुझे पता उनमें गार्बेज पड़ा होगा, गार्बेज हटाने के लिए हमें कहा गया वेरिएबल के साथ ही कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर दो, जैसा कि इस केस में मैंने कर दी, int a equals to 10, b equals to 0 और c चलो गार्बेज ही रहने दिए। बट प्रॉब्लम क्या है, क्लास के अंदर वेरिएबल्स की डेफिनेशन अलाउड है, डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, और int a equals to 10 लिखने का मतलब क्या बन गई है, डिक्लेरेशन बन। तो क्लास के अंदर वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन क्योंकि अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स को हम इस तरह से वैल्यूज नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो क्लास के वेरिएबल्स नॉर्मल ही बनाए जाएंगे जैसा कि हम बनाते हैं, क्लास के वेरिएबल्स नॉर्मली बनाए जाएंगे जैसे हम बनाते हैं, क्योंकि हम इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इनिशियलाइजेशन से स्टेटमेंट बन जाए, स्टेटमेंट डिक्लेरेशन की बन जाएगी, तो फिर इन वेरिएबल्स को में बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, गार्बेज ही रहेगा। हाँ, अगर इन वेरिएबल्स में आपने कुछ इनिशियल वैल्यू देनी है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स का यूज करेंगे। सो कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली किस काम में आ रहे हैं, दे आर यूज टू इनिशियलाइज इंस्टांस वेरिएबल्स, इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के काम में आ रहे हैं। अगर मैं कहता कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट मेरे पास ना होता तो मैं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किस तरह से करता, तो मुझे पता है कि मेरे वेरिएबल्स को मैं वैल्यूज डायरेक्टली तो दे नहीं सकता, तो शायद मैं कोई एक फंक्शन बना लेता, क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बना लिया int, ये फंक्शन मेरे वेरिएबल्स को क्या दे रहा है, इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कंस्ट्रक्टर अगर ना होते तो मैं अपने इन इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए एक फंक्शन बनाता, और फंक्शन के साथ मेरी प्रॉब्लम यह है
कि जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एडिशन क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जाएगा एबीसी में गार्बेज वैल्यू, बट हटाने के लिए मुझे ये फंक्शन मैन्युअली क्या है कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन तो जब कॉल करोगे तभी चलेंगे। तो अगर आपने INIT एक फंक्शन बनाया है अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, तो जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे इस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल भी करोगे, कंपल्सरी हो गया आपके लिए, नहीं तो उसमें क्या रहेगा, गार्बेज रहेगा। जैसे कि अगर मैं इनिशियलाइज करते हुए कॉल करना भूल जाऊं, एडिशन AD के केस में मैं इनिशियलाइज करना भूल गया, तो डायरेक्टली क्या हुआ, डिस्प्ले हुआ। अब हमने तो कुछ डाला ही नहीं, तो डिस्प्ले क्या होगा, गार्बेज ही प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो फंक्शन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि फंक्शन को कॉल करना पड़ता, अगर कॉल नहीं करेंगे तो गार्बेज पे ही रहेगा। इसी काम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है, एक स्पेशल फंक्शन, दे आर यूज टू इनिशियलाइज व्हाट, इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये एक स्पेशल फंक्शन है क्योंकि इसके पास फंक्शन के अलावा चार एडिशनल प्रॉपर्टीज डिफाइन है। एक नॉर्मल फंक्शन ही है, सिर्फ चार एडिशनल प्रॉपर्टीज के साथ। तो अगर मुझे इस क्लास में कहा जाए कि कंस्ट्रक्टर की जगह, सॉरी फंक्शन की जगह पर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है और वो चार प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। पहला, फंक्शन आर, दीज आर फंक्शंस विद सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। मतलब आपको फंक्शन बनाना है अपनी क्लास के अंदर ही, फर्क सिर्फ इतना होगा इस फंक्शन का नाम आपकी क्लास नेम से क्या है, मैच करेगा। तो अगर मेरी क्लास का नाम एडिशन है, मेरे फंक्शन का नाम भी क्या होगा, एडिशन होगा। जिस भी मेरे फंक्शन का नाम मेरी क्लास नेम से मैच करेगा, आई विल कॉल कि आपने क्या बनाया, फंक्शन नहीं कंस्ट्रक्टर बना ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी, दे हैव नो रिटर्न टाइप। इन फंक्शंस का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो अब तक के लिए मैंने कहा इनिट की जगह पर फंक्शन का नाम होगा एडिशन, दे हैव नो रिटर्न टाइप, वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड मतलब नॉर्मली हमें पता है किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर ना हो तो वॉइड लगा देना, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि आपको वॉइड भी नहीं लगाना, क्योंकि ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न करते हैं रेफरेंस ऑफ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। इस कंस्ट्रक्टर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और जो नया ऑब्जेक्ट अभी अभी क्रिएट हुआ है उसका रेफरेंस क्या है, रिटर्न करेगा। तो आपको फंक्शन से पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखना, नॉट इवन वॉइड। तीसरी प्रॉपर्टी, हम इन फंक्शंस को कभी कॉल नहीं करते। तो इनिट फंक्शन की तरह मुझे इस फंक्शन को कॉल नहीं करना, ये अपने आप कॉल होगा, कब, जैसी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी जैसे मैंने इस एग्जांपल में AD बनाया, एडिशन AD, वो फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा इनिट कॉल करना जरूरी नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप क्या है, कॉल हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट, दे आर नॉट कॉल्ड यूज इन ऑब्जेक्ट। एक तो वो अपने आप कॉल होंगे, और दूसरा ये एक ऐसे फंक्शन है जिन्हें आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कभी कॉल कर भी नहीं सकते। नॉर्मली मेरी क्लास में एक फंक्शन मुझे पता है पड़ा है, आप जितनी बारी मर्जी उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो, ये एक कंस्ट्रक्टर है, एक फंक्शन है, लेकिन आप उसे कभी कॉल ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कर सकते। ये पूरे मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बारी कॉल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना उस समय कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, अब दोबारा इस ऑब्जेक्ट के लिए ये सेम कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता। तो दिस इज वॉट एग्जैक्टली कि कंस्ट्रक्टर है क्या। अगर हम पिछले प्रोग्राम को दें तो मैंने क्या किया, इनिट की जगह पर फंक्शन बनाया कॉल्ड एडिशन, नो रिटर्न टाइप, नथिंग, कुछ भी डिफाइन नहीं किया, और अंदर वही वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। एक डिस्प्ले फंक्शन भी बनाया जो ABC को प्रिंट कर रहा हूँ। अब मेन में मैं डिस्प्ले क्लास का सिर्फ क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। एडिशन का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया कॉल्ड AD। मैंने कोई इनिट फंक्शन बनाया नहीं और ना ही कॉल किया, इस कंस्ट्रक्टर को भी मैंने कॉल नहीं किया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर अपने आप क्या है, कॉल हो गया। तो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स ABC में जो गार्बेज पड़ा था उसकी जगह पर अपने आप क्या आ गया, 10, 20 एंड 0 आ गया। ताकि अभी अगर आप डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहे हो तो क्या प्रिंट आएगा, 10, 20 एंड 0, डजंट हैव अ गार्बेज वैल्यू, गार्बेज की जगह पर इट हैज अ वैल्यू। तो इस कोड में हमने कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल नहीं किया, अपने आप कॉल हो गया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप कॉल हो रहा है, गार्बेज वैल्यू हट गई।
ना कंस्ट्रक्टर किस टाइप के होते हैं? तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड व्हाट कॉपी। पहले बात करें हम डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हमने पढ़ लिया। देखो कंस्ट्रक्टर को आप फंक्शन की तरह मान के चलना, फंक्शन ही है सिर्फ। फर्क सिर्फ इतना हो गया कि फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता, कॉल करना पड़ता है थ्रू ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक ही बार ही कॉल होता है। तो जैसे हमने फंक्शन पढ़े थे विद आर्ग्यूमेंट्स एंड व्हाट विदाउट आर्ग्यूमेंट, तो कंस्ट्रक्टर भी होंगे विद आर्ग्यूमेंट्स एंड व्हाट विदाउट आर्ग्यूमेंट। विदाउट आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को, यानी बिना पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को ही हम क्या कह रहे हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। अब इसे डिफॉल्ट क्यों कह रहे हैं? देखो एक ऑब्जेक्ट क्लास का अगर बनता है बिना कंस्ट्रक्टर के वो बन नहीं सकता। मतलब अगर मेरी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता। लेकिन इससे पहले भी जो हमने प्रोग्राम किए, क्लासेस करी, शुरू में सबसे पहला एडिशन की क्लास बनाई या और क्लासेस बनाई, कल हमने फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, फंक्शन विद ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर किए, उसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए थे, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट्स तो हमने बनाए थे ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि बिना कंस्ट्रक्टर के कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका कंपाइलर हर बारी आपकी क्लास को कंपाइल करने से पहले चेक करता है कि क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन है। अगर तो उसे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं मिलता तो अपने आप वो ये कंस्ट्रक्टर क्या है डिफाइन कर देता है, हालांकि वो खाली होता है। मतलब बिना पैरामीटर्स का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेगा विद एन एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब आई कैन से कि वो ऑटोमेटिकली एडिशन का कंस्ट्रक्टर अपने आप क्या है बना देगा, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, कुछ काम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि पता ही नहीं काम क्या करना। उसका बनाना जरूरी था ताकि ऑब्जेक्ट क्या है क्रिएट हो सके। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए। अब तक जितनी क्लासेस हमने बनाई जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए, हमारे कंपाइलर ने हमारे बिहाफ पर खुद ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया। तभी हम इस कंस्ट्रक्टर को जब खुद बना रहे हैं तो इसका नाम क्या दे रहे हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट आपकी हर क्लास में होता है, आप बना रहे हो क्योंकि उसमें आपको अपना कस्टम कोड राइट करना है। बाय डिफॉल्ट उसमें जो बनाया वो एम्प्टी था। सो एडिशन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये फंक्शन कॉल हुआ था, सिंपल पहले वाला ही था। नेक्स्ट वी हैव पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज का मतलब क्या होगा? जैसे डिफॉल्ट मतलब कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, तो पैरामीटराइज मतलब कुछ पैरामीटर दे रहे। अगर इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इस एग्जाम्पल में हमने कहा था एडी, जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल को क्या मिला? 10, 20 और 0 मिला। इसका मतलब मैं इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा उन सब की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी दैट इज 10, 20 एंड व्हाट 0। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारे इसी काम में आ रहा है। हमने कहा कि लास्ट प्रोग्राम में जो हमने काम किया उसमें हर इंस्टांस को 10, 20 और क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जितने भी इंस्टांस बनाओगे सभी के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उन सबके वेरिएबल्स में क्या जाएगा? 10, 20 एंड 0 जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने हर इंस्टांस वैल्यू वेरिएबल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज पास ऑन करो तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। जैसे इस प्रोग्राम में एडिशन क्लास का हमने बनाया, एडिशन का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने एडिशन का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि पहले बनाया था 8, 10, 20 एंड व्हाट 0 का। फिर हमने एडिशन का टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, मतलब एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप दो पैरामीटर्स दोगे और मैं उन दो पैरामीटर्स को ए और बी को क्या असाइन करूंगा। यानी आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे दो मुझे वैल्यूज दोगे, मैं उन वैल्यूज को ए और बी को क्या असाइन करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग 10, 20 हम कुछ और दें। एक डिस्प्ले बनाया, एक सम और एक रीड है। तो डिस्प्ले तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहा है, एबीसी, सम दोनों का एडिशन थर्ड में डाल रहा है और रीड ए और बी को रीड कर रहा है। अब देखो मेन प्रोग्राम को समझना, हमने एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एडी, हमने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, मतलब कॉलिंग नहीं दी, तो एग्जैक्टली बाय डिफॉल्ट यहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला। इसके अकॉर्डिंगली ए 10, बी 20, तो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। अगर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं तो आई विल गेट 10, 20 एंड व्हाट 30। सो हमने एडी को कोई वैल्यूज नहीं दी, एडी सम कॉल कर रहा है, डिफॉल्ट के अकॉर्डिंगली से 10, 20 मिलेगा। एडी ने सम को कॉल किया, 10 और 20 का ऐड करके हमने सी में डाला, 30 हो गया। डिस्प्ले किया, इट इज 10, 20 एंड 30।
अब हमारा ये टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब एक और कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने दो पैरामीटर्स दिए थे। कंस्ट्रक्टर कॉल कहाँ किए जाएंगे, जब हम एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एडिशन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया AD1, पहले भी बनाया एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट AD, कोई पैरामीटर नहीं दिए। अभी हम पैरामीटर देंगे और क्या दे रहे हैं, 4 और 5, कुछ भी दो नंबर दे दिया हम। तो हमने एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया AD1, सेमी कॉलन से पहले अपने दो पैरामीटर दे दिए। दिस ऑटोमेटिकली कॉल्स एडिशन, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एडिशन विथ टू वॉट पैरामीटर्स ऑफ टाइप इंटीजर। तो एडिशन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके दो पैरामीटर्स होने चाहिए, ऑफ टाइप इंटीजर 4 and what 5, यानी ये कॉल होगा। तो इस केस में AD1 ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, यही किया। एक टाइम पर एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले के लिए डिफॉल्ट हो गया, तो सेकंड के लिए आपने दो पैरामीटर पास किए थे इसलिए मैंने दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो ए और बी की वैल्यू क्या चलेगी, 4 and 5 चलेगी। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, 4 and 5 ये है, सी में मैंने कुछ नहीं डाला, गार्बेज गया होगा। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट AD.sum है, सी को ऐड कर रहा है, तो 4 और 5 ऐड होके 9 में आए। डिस्प्ले सी को प्रिंट कर रहा है तीनों को, सो 4, 5 and what 9 प्रिंट कर। तो यहां पर हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया पैरामीटर वाला। पैसे करना है जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ ही अपने पैरामीटर पास करना है। आप जितने मर्जी पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर बनाओ, टू पैरामीटराइज वाला बनाया, आप एक वन पैरामीटराइज वाला बनाओ, जितने मर्जी बनाओ, जो कॉल करोगे जितने पैरामीटर दोगे उतने वाला कॉल हो जाएगा। इट इज लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ही नाम से दो फंक्शन बनाया हमने, एक एडिशन विदाउट पैरामीटर, एक एडिशन विद टू पैरामीटर, आप एक और बनाना चाहो एडिशन विद वन पैरामीटर। आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे जितने पैरामीटर दिए हैं उसके बेसिस पर फंक्शन यानी कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉल हो जाएगा। सो वी कॉल दिस कंसेप्ट एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर था। तो पहला हमने पढ़ा डिफॉल्ट, दूसरा हमारे पास था पैरामीटराइज, और तीसरा हमारे पास है कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट उससे पहले जैसे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे, वही सेम प्रोग्राम है, एडिशन डिफॉल्ट एडिशन टू पैरामीटराइज डिस्प्ले सम एंड रीड। अब इस एक बार प्रोग्राम को देख लो सिर्फ। पहले केस में एडिशन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई कंस्ट्रक्टर हमने मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कॉल हो रहा है 10-20 के साथ, सम एंड व्हाट डिस्प्ले। दूसरे केस में आपने AD1 को कॉल किया, AD1 दिया है, दो पैरामीटर दिया है, तो टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा विद द वैल्यू 4 and 5, 4 and 5 का सम एंड डिस्प्ले होगा। तीसरे केस में आपने AD2 दिया है, मतलब डिफॉल्ट पैरामीटराइज कॉल होगा, लेकिन आपने बाद में AD2 का क्या कॉल किया, रीड कॉल किया हुआ। इसका मतलब एग्जैक्टली इस केस में बाय पहली स्टेटमेंट से तो ए और बी में क्या गया होगा, 10 और 20, बाद में आपने रीड को कॉल किया हुआ है, तो दैट मीन्स रीड में जो आपने इनपुट करेंगे वो वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगे। सम में क्या जा रहा है, एडिशन एंड डिस्प्ले। सो इस प्रोग्राम में हमने तीनों देख ली, डिफॉल्ट देख रहे हैं तो डिफॉल्ट कॉल हो रहा है, उन्हीं डिफॉल्ट्स को ऐड कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया AD2, यहां पर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ विद द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 10 and 20, बट मेरा रीड फंक्शन बाद में उन्हें क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है। ठीक है, थर्ड वन वी हैव कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है, नाम से पता लगता है, एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में हमें कॉपी करना, मतलब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसके पास कुछ वैल्यूज पड़ी हैं अपने इंस्टांस वेरिएबल की, मैं चाहता हूं एक नया ऑब्जेक्ट बने सेम इंस्टांस वैल्यूज के साथ कॉपी हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट का डाटा, एक इंस्टांस का डाटा दूसरे इंस्टांस में क्या करना है, कॉपी करना है। जब हम नया इंस्टांस बनाएंगे तो अपना सोर्स जहां से डेटा उठाना है वो स्पेसिफाई करेंगे। लाइक C1 एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और मैं कह रहा हूं इसमें डेटा कहीं से आ गया, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं C2, और C2 में क्या आ जाए, C1 का डेटा आ जाए। अब नॉर्मल प्रोग्रामिंग में देखें, हमने एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C1, C1 को रीड किया, कुछ और स्टेटमेंट चली, कुछ कहीं से C1 में वैल्यूज आ गए। अब मैं चाहता हूँ एडिशन C2 एक और ऑब्जेक्ट बने और उसमें C1 का डेटा कॉपी हो जाए। एक तरीका, एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ C2 और C2.A=C1.A, ऐसी C2.B=C1.B, एक एक वेरिएबल्स को क्या करूँ, कॉपी करूँ। ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या है, करना हमें करना यही है, हमें एक एक का डेटा उठा के दूसरे में डालना है। बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे ए और बी तो क्लास के अंदर शायद प्राइवेट होंगे डिफाइन, अगर वो प्राइवेट है तो मैं उन्हें कॉल इस तरह से नहीं कर सकता। ठीक है,
तो C2.A प्राइवेट है तो आप यूज ही नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है कि आप मतलब इस तरह से कॉपी करने की बजाय एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ C2 और पैरामीटर में पास कर देते हैं C1 की वैल्यूज, C1.A, C1.B। यहां पर भी सेम प्रॉब्लम, C1.A और C1.B दोनों प्राइवेट है तो आप मेन में इनका यूज नहीं कर सकते या क्लास के बाहर इनका यूज नहीं कर सकते। तो जो बेस्ट मेथड था वो ये था कि हम एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए C2 और ब्रैकेट में क्या पास कर दे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही भेज। हम C1 का A, C1 का B नहीं भेज सकते, इंडिविजुअली मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरिएबल्स क्या है, प्राइवेट है। तो हमने क्या भेज दिया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही भेज दिया। दिस इज इक्विवेलेंट, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया बट उस कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट, देखो हमारे पिछले केस में कंस्ट्रक्टर में 4 और 5 भेजा था, मतलब टाइप क्या था, इंटीजर था, 4 and what 5। अब इस केस में हम ये कहेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं और उस एक आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, क्लास है, C1। C1 किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो फंक्शन विद ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर हो गया या कंस्ट्रक्टर विद ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर हो गया। कि हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है बट वो पैरामीटर में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर की जगह पर क्या रिसीव करेगा, C1 को रिसीव करेगा। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस मतलब वेरिएबल्स और इंस्टांस वेरिएबल वन बाय वन, जो हम नहीं कर पा रहे थे, हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही पास किया। अब इस काम को करने के लिए हम अपनी क्लास में क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे मैंने यहां पर पूरा एग्जांपल लिया एडिशन का, सेम वही प्रोग्राम एडिशन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो वो यही काम कर रहा है। टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो ए और बी को वैल्यूज असाइन कर रहा है। एंड अ कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर में क्या लेगा, एडिशन क्लास का क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। सेम वही है, देखें मेन को पहले एडिशन क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, रीड हो गया, सम हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब से एडी हैज सम वैल्यूज। अब एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे AD1, और मुझे AD1 में क्या चाहिए, द कंटेंट ऑफ व्हाट AD। तो AD का डेटा एग्जैक्टली कॉपी करना है किसमें, AD1। तो हमने इस समय एडिशन फंक्शन में क्या पास किया है, AD पास किया। व्हाट इज AD, एडिशन। तो मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम एडिशन, पैरामीटर में क्या रिसीव करेगा, AD को रिसीव करेगा। AD क्या है, एडिशन। तो एडिशन क्लास का क्या रिसीव कर लिया हमने, X रिसीव कर लिया। X मतलब क्या आ गया, AD आ गया। अब X का A, X का B, X का C कॉलर के A, B, C में हमने डाल दिया। मतलब कॉलर कौन है हमारा, AD1 है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर किसके लिए कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर कौन सा क्रिएट हो रहा है, AD1 हो रहा है। सो AD का डेटा हमने 1 by 1 AD1 में क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, राइट। तो अब यहां पर मेरे पास तीनों कंस्ट्रक्टर हो गए, वी हैव डिफॉल्ट, वी हैव पैरामीटराइज, जो दो तीन जितने मर्जी बनाना चाहो आप बना सकते हो, और एक तीसरा मेरे पास क्या हो गया, तो एक तीसरा मेरे पास डिफाइन क्या हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने पैरामीटर में एज अ टाइप क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को अगर देखा जाए तो हम यही कहेंगे ना, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर विद वन पैरामीटर, और आई विल से इट मे हैव नंबर ऑफ पैरामीटर, अ कंस्ट्रक्टर विद फर्स्ट पैरामीटर ऑफ टाइप क्या, क्लास। आपके पहले पैरामीटर का टाइप क्या होना चाहिए, क्लास टाइप का होना चाहिए, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का लाएगा। इसका काम नॉर्मली कॉपी करने का है, बाकी तो आपका फंक्शन है, आप इसमें कुछ भी करवाओ। तो हम स्टैंडर्ड इसे मानते हैं कि दिस इज यूज टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू व्हाट अनदर है, बाकी ये फंक्शन है, फंक्शन में आप क्या कोड लॉजिक राइट करते हो वो आपके ऊपर है। तो बेसिकली एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही है जिसके फर्स्ट पैरामीटर का टाइप क्या होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। लाइक इस केस में मैंने कहा कि AD का डेटा एज इट इज कॉपी कर दो, हो सकता है मैं ये स्टेटमेंट राइट करूं, एडिशन AD1 ब्रैकेट में AD,4। इसका मतलब मैं ये शायद कहना चाह रहा हूं कि AD के डेटा में 4 ऐड करके क्या करो, कॉपी करो। तो बनेगा सिर्फ वही कि अनदर फंक्शन विद आई विल से एडिशन, फर्स्ट पैरामीटर का टाइप एडिशन एंड सेकंड पैरामीटर का टाइप क्या है, इंटीजर, और मैं क्या कर रहा हूं, एक्स के ए में y तीनों में ऐड करके सी में भेज दू। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट पैरामीटर का टाइप क्या होना चाहिए, क्लास टाइप का होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में कॉपी का ही लॉजिक लिखते हैं क्योंकि
कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक और स्टेटमेंट भी आती है। एक तो देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करने का तरीका ये था, एडी वन में क्या पास कर दिया, एडी पास कर दिया। एक इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एडिशन एडी वन इक्वल्स, एडी वन इक्वल्स टू व्हाट, एडी इक्वल लिखा। अब जब आप इक्वल लिख रहे हो तो एग्जैक्टली वो किसे कॉल करेगा, ये कंस्ट्रक्टर ही कॉल करेगा। सो आप कंस्ट्रक्टर को कॉल दो तरीके से कर सकते हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर को सिर्फ कॉपी के लिए, दिस और दिस दोनों मैथड, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट आता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा आपको कॉल बाय रेफरेंस में लेने होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। और इसका मतलब है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जब आप डिफाइन करोगे तो आपको यहां पर क्या लगाना है, एम्परसेंड लगाना है। रेफरेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, एम्परसेंड। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल बाय रेफरेंस होंगे, इसलिए मैं एम्परसेंड लगाना होगा, ठीक है। रेस्ट द प्रोग्राम इज सेम, कि आपके प्रोग्राम में अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, आपने डिफॉल्ट बनाया नहीं क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी शायद, या आपने अपने सारे प्रोग्राम्स जो भी बनाया उसके अंदर आपने सारे ऑब्जेक्ट्स, सपोज मैं अगर ये एग्जांपल लूँ, एडिशन क्लास का एडी वन बनाया आपने, टू और थ्री टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, आगे शायद आपने एडिशन क्लास का एडी बनाया वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, एडिशन क्लास का फिर से एडी टू बनाया टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब आपने अपने प्रोग्राम में एग्जैक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाया, मतलब डिफॉल्ट कॉल ही नहीं किया। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपने पैरामीटराइज बनाया, डिफॉल्ट चाहे आप यूज करो या ना करो बनाना पड़ेगा, मैं चाहे खाली छोड़ दो। सो अगर मेरी प्रोग्राम में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूं तो डिफॉल्ट मुझे बनाना है, चाहे मैं उसका यूज करूं या ना करूं, खाली छोड़ दूं, बट रूल है। क्लियर हुआ? यस सर। और मैं प्रोग्राम्स अभी कराऊं कि पहले पढ़ना है? पहले पढ़ना है सर, पहले पढ़ना है। चलो ठीक है, मैं अभी वीडियो मतलब शाम तक अपलोड, थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा, आप चेक कर लेना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you.